सो गाइस कैसे हो आप सब, आप सबको हंसी की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अभी हैं भाई हम चित्तौड़गढ़ बाईपास पे। आपको पता है यहाँ पे अपना राजस्थान में एंटर कर दिया, तो चलो भाई जो मसले हैं आपको पता है ये सब चलते रहते हैं। तो अभी अज्जू भाई चला रहे थे गाड़ी, जस्ट अभी मैंने गाड़ी पकड़ी, 2-3 किलोमीटर हुए और अभी 4:01 हो गए। मैंने बोला चलो अज्जू भाई भी सो जाएंगे, वो करने लगे रेस्ट, अब मैं भी चलता हूँ कंटिन्यू यहाँ से सीधे ही। आज रात को उन्होंने खाना भी नहीं खाया, पहले ढाबा नहीं मिल रहा था, फिर मैं सो गया। अच्छे गाड़ी चला, मैंने बोला मैं आप खा लेना, मैं यार सो गया हूँ, तो मतलब मैं सो ही जाऊँगा फिर उठूँगा, फिर नींद वापस आती भी नहीं यार। अच्छे भाई नहीं खाया खाना, और मतलब रात में खाना नहीं खाया, दिन में खाना खाया था, रात वाला खाना नहीं खाया। बस अब देखते हैं जैसे सुबह हुई ना तो गुजराती होटल देख के ना आराम से जब कोई भी ढाबा देख के परौंठा वगैरह खा लेंगे, भूखे रहें घर में बढ़ जाएगा। अभी 4:23 हो गए और हम अभी भीलवाड़ा के वापस नहीं हैं, क्योंकि वह हमारी अब कोशिश है 7:30 के आसपास किशनगढ़ पार करने की। अभी सुबह के 5:30 हो गए और मैं गया था वाशरूम वगैरह, गया हाथ मुँह धो लिया, अब निकलते हैं चाय पियेंगे, किशनगढ़ पहुँच गए। अब तब तक अज्जू भाई उठ जाएंगे, ब्रेकफास्ट ही करेंगे, फिर रात को उठता है, खाना भी नहीं खाया। मेरे सामने भाई अपना जन्नत, तो ठीक है अभी हम भीलवाड़ा हमने शायद पार किया, भीलवाड़ा बाईपास पे मुझे लगता है खड़े हम। चलो करते हैं अपना सफ़र, लगाते हैं भाई भजन गाड़ी में, सुबह सुबह भजन सुनने चाहिए था, फिर चलते हैं आगे। हल्की हल्की सुबह भी होने शुरू होगी, देखो बस थोड़ी देर में लाइटें भी ऑफ हो जाएंगी और अपना सफ़र कंटिन्यू वैसे ही चल रहा है यार। अपनी गाड़ी में ना यहाँ पे एक वो लाइट सी आ रही है, शायद ना वो फिल्टर में पानी का कुछ हो ना तो वो आती है, वो आ रही है जा रही है, बारिश थी, बारिश की वजह से फिल्टर में पानी पानी लगा हुआ उसकी आ रही है शायद से। फुल सुबह होगी अब, और अब वेकेशन कर रहा है 60 किलोमीटर, मतलब अगर 60 किलोमीटर तो 6:45 में पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर करवानी है ग्रीस, अगर ग्रीस वाले भाई आए तो वहीं पियेंगे चाय, ग्रीस अगर कुछ लेना होगा सामान लेंगे वहाँ से, फिलहाल तो कुछ लेना नहीं, हमें किराने का सामान लेना है, गाड़ी में डलवाना पूरा वो देखते हैं, जम्मू साइड से लेंगे सारा, ऐसे चीनी नहीं है, उसके बाद दालें भी कम है अपनी गाड़ी में, सामान होना चाहिए, एमरजेंसी पड़े थी खाना बनाना पड़ता है, यहाँ पर मिलते हैं श्रीनगर के या नहीं मिलते ना। भाई आ गए थे मिलने के लिए, उन्होंने गाड़ी रोक ही ली, इशारे करते रोको रोको, वो काटू शाम से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, चलो ठीक है यार निकल गए भाई भी। अब सब मेरे को यहाँ पे गाड़ी वाले मिल रहे हैं ना, रुक जाओ रुक जाओ, मेरा है प्लान किशनगढ़ जाके रुके यार, ग्रीस वाला काम भी खत्म और चाय भी पी लें, 7:00 से 8:00 तक वहाँ ग्रीस वाले आ ही जाएंगे। बस किशनगढ़ बाईपास ही हम चल रहे हैं, 2 किलोमीटर में जो मेन किशनगढ़ बाजार है, बाजार नहीं जो बाईपास का बाजार है, हम रुकते हैं वो आने वाला है, अभी 8:01 हो गए, देखते हैं ग्रीस वाले तो आए होंगे, आसानी नहीं आए होंगे यार, क्योंकि ग्रीस को गाड़ी कभी जब पहुँचेगी तभी करवाएगी, अगर ग्रीस वाले आए होंगे तो फिर तो टेंशन नहीं है, ग्रीस हो जाएगी फिर निकल जाएंगे। रोड की हालत कितनी ख़राब हो रखी है देखो ना, बीच बीच में इतनी ख़राब है ना। पहुंचा यहाँ किशनगढ़ पे, ये रास्ता सीधा चला गया भाई अजमेर ब्यावर और इस तरफ चला गया अपना जयपुर वाली साइड, बस कुछ काम है, बस ग्रीस ही करवानी थी भैया, मिल गए बस करवा रहे ग्रीस, बस ग्रीस करवा के और कुछ लेना भी नहीं है अभी फिलहाल, फिर निकलते हैं। इस टायर को क्या हो गया, चलो ग्रीस वगैरह करवाई थी तो हम यहाँ से निकल पड़े आगे, पर मसला ये हो गया ऐसे वाला कुंडा ना तो बाहर वाला टूट गया मेरा, इस साइड का पता नहीं अभी यहाँ से मिला नहीं, देखते डब्बा से मिलेगा, अब खिड़की खोलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। बस अब खाना, अभी खानी चाय पीनी है, मामे पीनी है, मामे ने ढाबा लग सकता 2 घंटे, चाय पीनी, रोटी तो खाने हैं, चाय पीनी है भाई, यस मेरे को ब्लॉग ऐड करना है। अभी चाय लेके आ गए, हाथ भी काले ही हैं अभी यार, अब चाय पीते हैं फिर मामा के ढाबे में रुकेंगे, वहाँ पे देखेंगे अगर खाना भी खाएंगे, अगर 2-4 मिल के नहा भी लेंगे, फिर उसके बाद कश्मीरी ब्रेक लगेगी, अब इसके लाए खाते हैं फिर निकलते हैं आगे। अभी हम बस वहाँ से किशनगढ़ से 10-15 किलोमीटर अंदर आए, रात को जब मैं सोया ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना MP में, यहाँ राजस्थान बड़ी अजीब सी गर्मी है, अभी सुबह का टाइम कितना 10 बज रहे हैं पूरे, और भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है ना अभी 10 बजे ना, बाइक वालों को ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ कहाँ से निकलेंगे वो समझ भी नहीं आएगा, भूख भी लग रही है यार, रात को ना खाना खाने की वजह से भूख वगैरह लग रही है, चाय तो पी ली बिस्किट, 1 घंटा तो वेट कर लेंगे, 1 घंटे में हम मामा के ढाबे पहुँच जाएंगे, हालत भी कितनी ख़राब है, कितने नहाएंगे अच्छे से मुँह धो लेंगे साबुन लगा के, भाई ऐसे ही धोया ना पूरा काला सा हो गया मुँह भी। तो अभी 10:11, 12, 1, 2, 6, 7, 8 बजे हम पहुँचने चाहिए ढाबे वाले के आसपास, फिर सही है अगर
वाली अंधेरा पड़ेगा हमको, तो हमको सुबह होगी फिर लखनऊ पार करके फिर टाइम से रॉकेट। इस रोड में सही है यार, बस ब्रेकर हैं बीच में थोड़ी कई जगह खराब है, बाकी यार मस्त रोड है मेगा हाईवे, कोई मज़ा आता है इस रोड में चलने का यार। कितना खूबसूरत है यार, मतलब हर स्टेट की अपनी पहचान है, मतलब उसका एरिया अलग है, उसके लोगों का रहने सहने का तरीका, बोलने का, खाने का तरीका, मकान के डिज़ाइन, हर स्टेट की अलग अलग अभी। और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे ना मामा मामा जी के पास, मामा के ढाबे पे तुरंत से कपड़े फटो निकालेंगे, धोएंगे नहीं, बस फटाफट नहा के खाना खा के फिर निकल जाएंगे, मतलब आधा घंटा लगाएंगे नहा ही लेने यार, थोड़ा सा फ्री फिट हो जाएगा यार, फिर कल भी नहाने नहीं, कल शाम को तो पहुंच जाएगी गाड़ी पे, वहीं नहाएंगे मंडी में श्रीनगर, तो काफ़ी दिनों के बाद श्रीनगर जा रहे हैं यार, दो तीन चक्कर के बाद, क्योंकि अब सेफ चल पड़ा, हमें सेफ भर के आएंगे वहाँ से, और यहाँ से गाड़ियाँ कुछ आ रही हैं ना, कुछ बोल रहे थे तुम लेट हो गए ज़्यादा एडवांस हो, मैंने बोला अभी एडवांस ही चल रहे हैं, वो गाड़ी के अंदर बाइक और ये मेगा हाईवे ना, टोल इस पर भी बड़े बड़े हैं, पर देखो ना यार 4 रैंक के मुकाबले 650-650 का टोल इधर भी है, पर ये देने में मज़ा भी आता है यार, चलो जानवर हैं वो तो चले हैं रोड पे, बाकी रोड तो सही है ना, टॉप गाड़ी करके चलती है, और वो जो बाकी थी जैसे अब वो आगे एक्सप्रेस आएगी देना उस पर चढ़ेंगे शाम को, तो बड़ा बड़ा खड्डा उस पर बिना मतलब कहीं अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, डेफ अपना 1 साल कम हुआ, अब डेफ डालेंगे हम वापस श्रीनगर से आके राजस्थान में, तब तक डेफ बड़ा है, और गाड़ी अपनी हल्की हल्की ना कनेक्टर साइड खींच रही है, मुझे लग रहा है ना उस साइड के व्हील की ब्रेक ज़्यादा है, या ब्रेक करो ज़्यादा खींचती है, ऐसे हल्की हल्की खींचती है, ऐसे छोड़ दो ना गाड़ी हल्की हल्की, वो तो चलना शुरू हो जाती है, ये भी करवाएंगे चेक। पहुँचे भाई मामा का ढाबा, यहाँ खाएंगे अब खाना, पीना भी अपना हो गया, और मस्त दो कोन ले आया यार, वहाँ 20 रुपये का है, इस पर रेट है 40 ही है, 40 ही लगाया, ठीक लगाया। हेलो, अब अगला सफर तय है, मस्त ठंडा ठंडा कूल कूल कौन भाई, इतना तेल है अपने पास, डबल तो गाड़ी पहुंचनी चाहिए अपनी, फुल जा सिम सिम है, चलते हैं भाई यहाँ से, पहले कौन खोल लेते हैं सर आपका ही भला, अब सही डिडवाना बाईपास आया, पहले तो वो होटल पीछे था ना मामा का, यहाँ से ही है, यहाँ से कहाँ गया सलासर डैम, यार डैम है यहाँ पे यार, चलो अभी कोई डैम नहीं दे सकते, अब आगे रेलवे फाटक आएगा एक, फिर लाडनू, लाडनू में आपको पता रस्से तरपाल की जो मार्केट है, फिर उसके बाद सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, पल्लू, फिर एक्सप्रेस, काफ़ी दूर है अभी, और अभी बठिंडा यहाँ से है 384 किलोमीटर, 384 km, और हमें पहुँचना है वहाँ पे रात तकरीबन 9 बजे तक पहुँच जाएंगे हम, लाडनू 34 किलोमीटर। जो भाई मेरी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं ना वो भी देख सोच रहे होंगे यार गाड़ी आज इतने जल्दी एडवांस कहाँ पहुँच रही है, तो अभी गाड़ी तो कहाँ होती है इस टाइम पे 12 बजे तकरीबन, नया गाँव बॉर्डर के आस पास ही तोड़ होती है गाड़ी, तो मेरी गाड़ी डिडवाना है इतनी आगे कैसे, 6-7 घंटे गाड़ी आगे चल रही है इतनी आगे, जो बाकी गाड़ी लोड होकर वहीं है, तो भाई उसका एक नॉर्मल सा रीज़न है, मेरी गाड़ी कल 12 बजे लोड होकर निकल गई थी खेत से, भाई तीसरे दिन शाम को हम पहुँचते हैं जम्मू, जम्मू की मंडी तीसरे दिन शाम की होती है, पिछले बार भी जब जम्मू की मंडी तीसरी शाम की थी मेरी गाड़ी कब निकली थी, वहाँ से ही हम सादे से लाइटें ऑन करके आए थे ना, लाइटें ऑन करके तो यहाँ मैं पहुँचता था, इधर लाइटें इधर मेरे को अंधेरा पड़ गया था तकरीबन 8-9 बजे मैं यहाँ था, तो आज 12 बजे यहाँ 6-7 घंटे उसका यही है सिस्टम, एक हम चल रहे हैं कंटिन्यू, रुक भी नहीं रहे, क्योंकि अकेली गाड़ी आपको पता है अकेली गाड़ी टाइम नहीं तोड़ती, एक रीज़न ये है, दूसरा सबसे मेन रीज़न जो गाड़ी मेरी निकली 12 बजे, जो भी गाड़ी 12-1 बजे निकलेगी भाई वो तो एडवांस होगी देखो ना, वो भी उसको वही टाइम शाम का मंडी का लगेगा, तीसरे दिन या चौथे दिन सुबह का श्रीनगर का टाइम लगेगा चौथे दिन सुबह का, वो जो गाड़ी रात को 8 बजे निकलेगी उसको भी चौथे दिन सुबह का, जो बेचारी मेरी तरह 12 बजे निकलेगी उसको चौथे दिन सुबह का, अब गाड़ी चौथे दिन सुबह भी खाली होती है, अब मैंने सोचा मेरी गाड़ी जल्दी निकलेगी अगर 12 बजे निकली है थोड़ा खींच के रखते हैं ना, तीसरे दिन शाम को खाली हो जाएगी 10-11 बजे गाड़ी पहुँच जाएगी, तो वो खाली कर देते हैं यार, फिर आगे दिन बच जाता है यार, अब मेरे को पता थोड़ा किस तुम का सिस्टम चल रहा है, दिन बच जाएगा फिर अगले दिन माल मूल ढूंढेंगे वापस लोडिंग के लिए, दिन क्यों खराब कर रहे हैं इतने, तभी अगर वहाँ से जल्दी नहीं उसका फ़ायदा उठाना चाहिए अगर गाड़ी जल्दी लोड होगी, क्योंकि लोड भी लेबर जल्दी नहीं करती, जब लेबर को 2 गाड़ी लोड करनी होती है फिर लेबर जल्दी लोड करती है, ऐसे कल लेबर को 2 गाड़ी लोड करनी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाल दी टाइम से, फिर मैं चल रहा हूँ 60-65 BPM 70 भी कंटिन्यू आराम से, एवरेज देखिए अभी 3-5 की दे रही है उसी में चल रही गाड़ी, और
और मौसम भी इतना गर्म नहीं है कि टायर टूर का मसला भी, टायर भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो सफ़र निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब पहुँचे टाइम तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, अपनी कार अपनी मंडी है परसों सुबह से ही, जो उस पर लिखा हुआ है बिल्टी पे परसों सुबह की मंडी है वहाँ पे नाम है, अगर रात को पहुँचे मेरा अपना फ़ायदा खाली हो जाएगी। अपने आगे से गौर कश्मीर की गाड़ी आ रही है, जम्मू कश्मीर की गाड़ी सारी यहाँ से निकलती है, कौन सी है, JK13F। बस अब लाडनू बाजार आने वाला है, यहाँ पे पुलिस का नाका था पर हमें रोका, छोटी गाड़ियाँ रोक रहे। चलो यार कभी कभी ये चीज़ देखने को मिलता है, अच्छा लगता है यार कि मतलब कानून सबके लिए है, तो सीधा हमारे पास ही आते हैं दो पैसे पर, आज नहीं है। सही है यार, चेंज होगा धीरे धीरे सिस्टम, पर टाइम लगेगा। अब देखना है भाई यार क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाडनू यहाँ पे तरपाल रस्सा की दुकान है, मेरे को भी तरपाल लेना है, अभी नहीं ये भी लेने दे, अभी कुछ भी नहीं, इस चक्कर थोड़ा सा सिस्टम तंग है, अगला चक्कर तभी तो चक्कर खींच खींच दे रहे हैं। देखो यार कितने प्यारे प्यारे पिछले लटकाने वाले ना, लेंगे अगले चक्कर यार, अभी रुकेंगे ही नहीं यहाँ पे। रुको ना, फिर दिल कर जाता है लेने का यार, थोड़ी देर दिल मारना पड़ता है यार, हर चीज़ आप जब चाहो तब पूरी नहीं होगी भाई, चाहे वो छोटी चाहे बड़ी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। फाटक के पास हमने ली थी पार मक्की, फाटक आ गया, फाटक लगा हुआ, पता नहीं वो ट्रेन आ रही है जा रही है पता नहीं, पर इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक। अजूबे टायर चेक कर लेंगे, इंतजार करते हैं, सोच रहा हूँ अजूबे को गाड़ी तो थोड़ी देर चलाने के लिए, अब सीधे रास्ता थोड़ी देर एक दो घंटे रेस्ट कर लो यार, क्योंकि मैं सुबह चल रहा था 4 बजे से, 4 समझो 1 बज गया। अजूबे बोलता हूँ आप चलो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आ गई माल गाड़ी है, आपका गैस सही था भैया, माल के कंटेनर हैं ये, ये मैं बोलता यहाँ से बाहर जाते हैं फॉरन, खाली डब्बे जा रहे हैं, नहीं डब्बे बाहर भी ऐसे डब्बे जाते हैं ना, सिर्फ डब्बे ही डब्बे, देखो भाई पूरी ट्रेन खाली थी, गाड़ियाँ सब स्टार्ट होगी, इसका खुल जाएगा, और ना कुछ जो भी गाड़ी होती है ना भाई ये वाली, जैसे ये टैंकर या माल गाड़ी, तो वो काफ़ी लंबी ट्रेनें होती हैं, मतलब जो दूसरी पैसेंजर है उनके मुकाबले, वो कितनी लंबी है अभी तक, कितने डब्बे चले गए होंगे, जा रहे हैं हरा पीला नीला काला, बीच में खाली भी है अभी, इतना माल नहीं मिला इसको, मस्त बंदा एक्सरसाइज करता जा रहा है यार, आए अभी खुला ही नहीं, क्या बात है कोर ट्रेन आ रही हो, सरदार शहर भी कर दिया हमने पारा, पल्लू रह गया तकरीबन यहाँ से 50 किलोमीटर 50-60, अभी डबल 210 किलोमीटर है यार। पल्लू अब थोड़े रह गया और 4:48 हो गए, 3:48 हमारा था कि 4 बजे मैक्स पर चढ़ जाएंगे, हम थोड़ा लेट हो गए, हम आराम से चल रहे हैं, बस टाइम भी है, अब कोई दिक्कत नहीं, रुक नहीं रहे, बस वैसे आपको बताया कि गाड़ी अपनी इतनी एडवांस कैसे है, कल लिए थे हमने केले अभी भी ख़त्म नहीं हुए, और रोटियां ना परसों हमने मंगवाई थी ना बची पड़ी हैं, अब परसों की हैं, कल भी हमने वही खा ली थी जो हमने वहाँ लेके गए थे लोड करने गाड़ी ना, अभी बची हैं ना, देखते हैं किसी को खिला देंगे यार। बस आने वाली है भारत माल एक्सप्रेस, बस यहाँ से एक्सप्रेस तो 150 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है, उसके बाद सीधा हम पहुँच जाएंगे डब वाली, और ये वही जगह जहाँ पिछली बार मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, फिर मेरे को गौर वर मिले थे ऊपर, बादल कितने प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नीचे ही आ रहा है, पर हम एक्सप्रेस पे आ गए, अभी रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है क्योंकि मैंने गाड़ी पूरी घुमाई, वापस घुमा के इस साइड लानी पड़ी, वो रास्ता ही बंद था शायद, रोड का काम चल रहा है, मैं वो बताया ना रोड का बड़ी बुरी हालात है, बीच में यार पूरे खड्डे पड़ गए, बीच में रोड इतनी सही आ जाती है और बीच में इतनी ज़्यादा ख़राब आती है, क्या ही बोले, अभी बारिश भी आ गई थी पीछे एक किलोमीटर पीछे, और यहाँ पे ख़राब आ गई, यहाँ पहले ब्रेक करके देखना पड़ा कहाँ से निकालनी है गाड़ी यार, कई जगह भी इतनी ख़राब आती है अचानक से ना, फिर देख के चलना पड़ता है, 30 किलोमीटर हनुमानगढ़ तो 50 ओवर लगा लो अगर डब वाली, मतलब 70-80 किलोमीटर भी एक्सप्रेस चलना में, और 28 किलोमीटर रह गया डब वाली और एक्सप्रेस से नीचे, यहाँ पे एक टोल कटता है 110 रुपये का या 115-120 रुपये का, एक ही टोल अभी शुरू नहीं हुआ क्योंकि रोड का भी काम नहीं हुआ, यहाँ तक रोड ओके होगी वहाँ टोल कट रहा है, भैया कहाँ से आई गाड़ी, शाम के 7 बज के भाई फिर से भूख लग गई, अभी डब वाली में कोई हमें लेना है, एक दो खूंटा टूट गया जो खिड़की का वो लेना है, और दो पीछे वो चमकने वाले परांदे लेने हैं पीछे बांधने के लिए, बस फिलहाल के लिए दो चीज़ लेनी है, खूंटा मिलना चाहिए हमें, बस फिर कुछ खाएंगे वहाँ पे, फिर सीधा बठिंडा तो अभी नो एंट्री ही होगी, बाईपास से निकलना पड़ेगा,
बठिंडा पार्क के पहला टोल है उसके पास एक ढाबा है, वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, नहाने की जगह भी है, वहाँ देखते नहा भी लेंगे और खाना भी वहाँ पे खा के फिर निकलेंगे आगे। पूरी ऐसे एक्सप्रेस हो ना फिर टोल देने मजा भी, कोई खड्डा ना हो, इंसान बस टेंशन फ्री होकर चले यार, इतने खड्डे आ जाते हैं ना फिर गाड़ी अचानक बस खड्डा अचानक से दिखता है, गाड़ी रुकती भी नहीं है, फिर गाड़ी खड्डे में गिरती जाके सीधी। कुछ पंप चले ना उनका काम ही खत्म हो गया, ऐसे पंप आ रहे हैं, अबे बनगी रोड यहाँ पे काटी नहीं है। पहुँचा डबल ही, यहाँ से डालेंगे सिर्फ 7,000 का डीजल, इसी पंप से डालते रहते हैं डीजल, देखते हैं डीजल डाल के फिर निकलते हैं कितना आएगा 7,000 का। देखो 70-80 लीटर आना चाहिए, तो भाई अभी यहाँ पे है तो गाड़ी यहाँ हो जाएगा, फिर आगे गाड़ी अपनी जम्मू पहुँच जाएगी, जम्मू करवाएंगे टंकी फुल। तेल डाल के ना अब हम आगे बठिंडा की तरफ, यहाँ पे भी रोड का काम चल रहा है ना, जो एक्सप्रेस है ना वही यहाँ पे भी काम चल रहा है, कच्चा है अभी, है थोड़ा ही है पर काफ़ी कच्चा है यहाँ से, बस अब बठिंडा पार करें, भूख भी लग रही है, टोल पार करके वहाँ खाना खाएंगे, और इन्हें पसीना आ रहा है, स्मेल आ रही है, मैं सोच रहा हूँ नहा के ना मैं सो जाऊँगा 2-4 घंटे, क्योंकि यहाँ से आगे कोई टेंशन नहीं है। मैंने अज्जू भाई ने जब गाड़ी यहाँ पे सीख रहे थे तब यहाँ ही चलती थी गाड़ी, बठिंडा तारन तार से आगे कनक पे, तो इस रूट का अपने पता ही है, और रोड भी बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, ना ट्रैफिक है। बठिंडा पार्क के पहला टोल, उस दिन हम यहीं नहा के गए थे, यहीं खाना खा के, ये तो ढाबा ठीक है, अब खाना खा के एक बंदा करेगा रेस्ट, एक चलेगा, टायर वगैरह चेक करते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं अच्छे से, नहाना तो भाई कब नहाए थे हम, कल नहीं परसों नहाए थे लोड करने टाइम, कल परसों नहाए थे यहाँ, 2 दिन हो गए, अब पहुँच के नहाएंगे। इधर में कितनी लाख हाथ में धोना, में आओ, काफ़ी पसीना आ रखा है यार, कपड़े खोल दिए, 2 मिनट लगेंगे नहा ही लेते हैं, नहा के खाना खा के फिर आराम से नींद भी आ जाएगी मुझे भी अच्छी, और उसके बाद जो भाई चलेंगे आराम से जब तक चल पाएंगे, अभी तो टाइम 9:30-10:11 बड़ा टाइम है, लखनपुर तक पहुँच जाएंगे। अभी खाना पीना अपना हो गया, नहाना भी हो गया, और चिप्स भी ले लिए एक दो ऐसे ही टाइम पास के लिए, इसमें सही है। 10 चक्का में ना टेंशन रहती थी, माल देखना पड़ता था, माल रस्ता कोई लूज तो नहीं हो गया, अभी भी है गौरव और उनको देखते हैं, शायद गौरव जम्मू भर के आएंगे शायद, वो देखो यहाँ पे ना वो पूरे निशान अभी तक हैं, ये देखो अभी तक गाड़ी धोई नहीं ना हमने ना, बस अभी टाइम कितना हो गया 10 बज गए पूरे, बाजू भाई चलने लगे, अब देखते हैं जब तक तो चलेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है कि एक टाइम तो चलना हमारा कोई मसला नहीं, जब तक तो नींद आएगी तो फिर दूसरे को उठा देना। सो इस ब्लॉग में करते हैं यहाँ पे एंड, जैसे भाई सुबह उठूंगा ना जैसे तो अपना नया ब्लॉग करते हैं स्टार सीधा कश्मीर का, यहाँ से खिड़की को लॉक कर देते हैं, ठीक है भाई फिर गुड नाइट।